आने वाली जो 10 मई को ये भगवान केदारनाथ के कपाट खुलने जा रहे हैं, इसी दिन से सरकार के विरोध में जो ये ताली वाली सोच वाली जो सरकार है इसके विरोध में मैं आने वाले तीर्थ यात्रियों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप जो है अभी जो यात्रा पे आना चाह रहे हैं। हरन महादेव, नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ अभी केदारनाथ धाम में और जो मेरे साथ हैं ये है चंडी प्रकाश तिवारी जी जो कि यहाँ पे केदारनाथ व्यापार संघ के अध्यक्ष हैं। तो लोग यहाँ पे आजकल सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा न्यूज स्प्रेड हो रही है, फेक न्यूज भी, उनमें से कई लोग बोल रहे हैं कि यात्रा नहीं खुलेगी, कुछ बोल रहे हैं कि पोस्टपोन हो जाएगी, सॉरी 10 तारीख को नहीं खुलेगी यात्रा, तो बहुत सारी फेक न्यूज फैल रही है। हमारे साथ यहाँ के जो व्यापार संघ के अध्यक्ष हैं हम इन्हीं से जानते हैं कि इनके और गवर्नमेंट के बीच में जाकर आजकल कंट्रोवर्सी दिखाई जा रही है कि जो व्यापार संघ के अध्यक्ष हैं वहाँ पे और जो व्यापारी लोग हैं वो हड़ताल पे बैठ रहे हैं, तो हम इन्हीं से जानेंगे कि क्या आगे का इनका प्लानिंग है। जय बाबा श्री केदारनाथ जी। जैसे कि आपने पूछा कि यात्रा के बारे में संशय है, हाँ जी, तो अवश्य ही मैं ये बात स्वीकार करता हूँ कि अवश्य में वही संशय है। हाँ जी, इसका कारण यहाँ ये है कि यहाँ पे यात्रा खुलने से पहले 10-15 दिन पहले उत्तराखंड के मुख्य सचिव राधा रोकड़ी जी यहाँ पे आई थी। अच्छा, 10 दिन पहले? हाँ, ये 10 दिन, आज से 10 दिन पहले मान लीजिए। हाँ जी, और उनके साथ में प्रशासन के अन्य अधिकारी भी थे। अच्छा अच्छा, और जबकि हम लोग यहाँ पे नहीं थे, कपाट बंद रहते हैं, हम लोग यहाँ पे नहीं रह पाते हैं, तो हमें बिना विश्वास में लिए हुए। अच्छा अच्छा, और उन्होंने तानाशाही को दिखाते हुए, हाँ जी जी, हमारे, मैं दिखाना चाहूंगा आपको, मैं ये जो भवन है यहाँ पे, अच्छा अच्छा, ये भवन हमारे खड़े हैं। हाँ जी हाँ जी, और बिना हमें विश्वास में लिए हुए है। अच्छा अच्छा, उन्होंने निर्माण कार्य के नाम पे, अच्छा अच्छा, ये हमसे जो हमारे भवन की जो जड़ें खोदी है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, दिखा सकते हैं सामने। हाँ जी हाँ जी, भवनों की जड़ें खोदी है। हाँ जी हाँ जी, तो क्या वो सारे पत्थर निकल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ऐसे हमें बड़ा दुख हुआ है। हाँ जी हाँ जी, और अभी 2 दिन पहले यानी 2 तारीख को, 2 मई को पुनः, हाँ, 2 दिन पहले वो यहाँ पे आए थे, उनके साथ पर्यटन सचिव भी थे। हाँ जी हाँ जी, हमने उनसे निवेदन किया कि यात्रा कैसे चलेगी। हाँ जी हाँ जी, और कुल मिला के अभी हमारा ये है कि ये जो बाजार है, हाँ जी, हमारा बाजार जहाँ भगवान का सम्मुख है, बिल्कुल बिल्कुल, भगवान का मुख है, हाँ जी, इस मुख के आगे ही हमेशा बाजार लगता हुआ आया है। बिल्कुल बिल्कुल, तो हम ये चाहते हैं कि अभी भी बाजार यही लगे। हाँ जी, जबकि शासन प्रशासन चाहता है कि जो मंदाकिनी आस्था पर है उस तरफ से रास्ता लगे। अच्छा, लेकिन वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वहाँ पे बिल्कुल ही व्यवस्था ना के बराबर है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। बिल्कुल, वहाँ पे भी निर्माण कार्य चल रहे हैं, कुछ लोगों को उन्होंने वहाँ पे दुकानें आवंटित कर भी दी है। बिल्कुल, हमारे पास आपदा प्रभावित कम से कम 400-500 व्यापारी है, पहले तो कम थे लेकिन आप सारे बेरोजगार हुए हैं, कुछ आपदा के मारे हुए हैं, किसी की नौकरी चली गई, किसी का कुछ हुआ, बिल्कुल सारे लोग यहीं पे इसी बाबा के भरोसे यहाँ पे आए हैं और इस बाबा के पे आश्रित है। अच्छा, तो हमने उनसे ये कहा कि आप जितने ये बेरोजगार लोग हैं, जितने यहाँ पे दुकानें चला रहे हैं, हाँ जी, आप इनकी व्यवस्था कहाँ करोगे? बिल्कुल, तो समय में उनका कहना है कि हम उनकी व्यवस्था वहीं करेंगे, हाँ जबकि ये बिल्कुल एक झूठी बात उन्होंने कही है। बिल्कुल बिल्कुल, हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे ये मार्केट जैसा था पूर्ववत रहे। बिल्कुल बिल्कुल, और इस बात पे अगर प्रशासन के द्वारा संज्ञा ले लिया जाता है, अच्छा अच्छा, तो हमने अल्टीमेटम दे भी रखा, हमारी जो यहाँ पे केदार सभा है उन्होंने अल्टीमेटम दे भी रखा है। हाँ जी, और व्यापार संस्था भी अल्टीमेटम देगी। हाँ जी हाँ जी, और इसके अलावा हमारे जो गौरीकुंड का व्यापार मंडल हो, गुप्तकाशी का व्यापार मंडल हो, सौंदर्या का व्यापार मंडल हो, बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने सरकार के प्रति एक लड़ाई छेड़ने की मुहिम छेड़ी है। हाँ जी, और सबका यही एक मत से सब जो सब लोग ये है कि यदि हम हमारी मांगों पे अमल नहीं किया जाता है, हाँ जी, तो आने वाली जो 10 मई को ये भगवान केदारनाथ के कपाट खुलने जा रहे हैं, हाँ जी, इसी दिन से सरकार के विरोध में जो ये ताली वाली सोच वाली जो सरकार है इसके विरोध में हम अनिश्चित काल के लिए ये यात्रा बंद करेंगे। हाँ जी, मैं आने वाले तीर्थ यात्रियों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप जो है अभी जो यात्रा पे आना चाह रहे हैं, आप यदि केदारनाथ यात्रा पर चार धाम यात्रा पे आने की सोच रहे हैं तो अभी आप इस अपने प्रोग्राम को टाल दीजिए, क्योंकि अभी यहाँ पे अनिश्चितकालीन जो यहाँ पे जो अनिश्चितकालीन हमारी हड़ताल होगी, जो बाजार बंद रहेंगे, दुकानें बंद रहेंगी, इसका खामियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ेगा। अच्छा, जैसे ही सरकार
इस पे अमल करती है तो हमें कोई शौक नहीं है बाजार बंद करने का, हमें कोई शौक नहीं है यात्रियों को कष्ट पहुंचाने का। मैं तीर्थ यात्रियों से प्रार्थना करूंगा, आप हमारे लिए भगवान का रूप है, आप जब यहाँ पे आते हैं तो हम आपको भगवान के तुल्य मानते हैं। बाबा केदारनाथ का यहाँ पे मंदिर है, लेकिन अभी आज के दिन आप लोग यात्री यहाँ पे नहीं है, बिल्कुल तो नहीं है तो केदार बाबा नहीं है, तो इसलिए आप यहाँ पे नहीं, तो हमारी रोजी रोटी भी आज नहीं चल पा रही है। हमारी रोजी रोटी तभी चलेगी जब आप यहाँ पे आएंगे, आप हमारे मेहमान है, आप देवतुल्य है हमारे लिए, सारे यात्रियों का वेलकम केदारनाथ जी में। लेकिन अगर सरकार हमारी ये बातें नहीं मानती है तो हमें मजबूरन ये हड़ताल करनी पड़ेगी, और जैसे ही सरकार हमारी बात मान जाती है तो हमारी हड़ताल खुल जाएगी और यात्रियों का वेलकम है। तो सर आपकी मांगे क्या है, मतलब उसमें आप थोड़ा डिटेल में बता दो। मतलब यही है, एक तो ये जीवन शिवने जो भवन है वो पूर्ण कराया जाए। हाँ जी, नाली की व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। बाजार जो है 2013 में जो आपदा आई थी, हाँ जी, इस प्रकार से इन्होंने इस बाजार को उखाड़ के फेंका है, एक बार पुनः बनाया, बिल्कुल। ये तो सरकार है, इनके खिलाफ कोई बोल नहीं सकता है, जैसे ये चाहेंगे वैसा ही होगा। इन्होंने हजारों करोड़ रुपए के से एक घाट निर्माण किया था, उसको तोड़ दिया, बहा दिया कूड़े में, कई भवन इन्होंने खड़े किए, उसमें हजारों करोड़ रुपए खर्चा किए, खर्चा करने का उनको तोड़ दिया। ये रास्ता, ये जो अभी आप मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ये सलेट है नीचे पीछी हुई, ये जो है 2500 की सलेट पड़ी हुई है, एक ये छोटा सा पत्थर है, एक पत्थर 2500 का, 2500 का है एक पत्थर, 2500 ये पत्थर यहाँ से नहीं आया है। हाँ जी, ये पत्थर गुप्तकाशी के निकट पशु केदार के पास से आया है। हाँ जी, हाँ जी, और एक पत्थर की यहाँ पर कीमत पड़ी है 2500 रूपए। अच्छा, इस प्रकार इन्होंने इस प्रकार का दुरुपयोग किया, कई बार ये रास्ता बन गया है और कई बार इसको तोड़ा गया है, बिल्कुल बिल्कुल। तो क्यों सरकार इतना, ये जनता का जो धन है, इस धन की हानि करना चाह रही है, क्यों इस धन की हानि कर रही है? हमारी मांग है, यही हमारी मांगों में विचार हो, बाजार की सफाई हो, बिल्कुल हो, पेयजल हो, और जो यहाँ पे भूमिधर है उनके साथ अच्छा बर्ताव सरकार करे। हाँ जी, तो जो पुरोहित लोग हैं, तीर्थ पुरोहित है, हाँ जी जी, तो तीर्थ पुरोहित है, हम लोगों ने पहले से यहाँ पे यात्रा चलाई है, बिल्कुल। ये सरकार के दो पढ़े लिखे तो ये आजकल के हैं, सही बात। तो अनुभव हमको है यात्रा का, ये क्लास वन ऑफिसरों को नहीं होता है, क्योंकि हमें अनुभव है, हमें यहाँ के चप्पे चप्पे का पता है, हमें यात्रा कैसा चलती है हमें पता है, बिल्कुल। ये अधिकारियों को पता नहीं है, जिस प्रकार का पता हमें है किस प्रकार से यात्रा चलती है, बिल्कुल। वो नियम कानून आते हैं, ये बनाते हैं, लेकिन इनकी बस की चलाना नहीं होता है। सरकारें हमेशा 4 महीने पहले से ही मीटिंगें रखती है, बैठकें रखती है, केदारनाथ यात्रा कैसे चलेगी, लेकिन ढाके 3 पाप आप देख रहे हैं, ये सारी विनाशकारी लीला इनके द्वारा करती है यहाँ पे, बिल्कुल। और तानाशाही को दिखाते हुए ये जो किसी की सुन नहीं रहे हैं, प्रोजेक्ट का कोई विरोध नहीं कर रहा है। अच्छा, पहली बात हुई है, ड्रीम प्रोजेक्ट से सारा देश खुश है। अच्छा, हम सराहना करते हैं ड्रीम प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो ये कार्य हो रहे हैं, बिल्कुल। वो वही बोल रहे हैं, उसमें तो फैसिलिटी आपको ज्यादा मिलेगी, उसमें तो आपको फैसिलिटी ज्यादा मिलेगी, हर एक चीज वो बना रहे हैं यहाँ पे, उसमें तो आपके लिए। हाँ जी, देखिए, हम विकास कार्यों के कभी भी विरोधी नहीं रहे, बिल्कुल। यदि हम विकास कार्यों के विरोधी होते तो सरकार ये रास्ता भी नहीं बना, कुछ भी नहीं कर पाती यहाँ पे। अच्छा, हमने सरकार का हमेशा ही सहयोग किया है, और हम चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है, आपका कहना है कि अच्छी सी हमें अच्छी फैसिलिटी मिले, अच्छी फैसिलिटी, बिल्कुल। सरकार, हमने मना नहीं किया, हमने कहा ठीक है, ये हमारे भवन है, हाँ जी जी, ड्रीम प्रोजेक्ट के अंतर्गत इनका निर्माण होना है सर। अच्छा, हम आपका सहयोग करेंगे, बिल्कुल। लेकिन उससे पहले इस पुराने हमारे तो ये घास फूस की झोपड़ी भी रही, हमें इसी में अपार आनंद मिला है। हाँ जी, हमारी झोपड़ी हमारे पास, जैसा हम इसी में अभी खुश हैं, बिल्कुल सर। ठीक है, आपको आवश्यकता है कि इसको ड्रीम प्रोजेक्ट के अंतर्गत आपने पुनः बनाना है, बिल्कुल, पुनः निर्माण करना है, तो साहब इतने देर के लिए हमारी व्यवस्था तो कीजिए। हाँ जी, हमारे तो पास रूम है, जाए जाए। हम तीर्थ के पुरोहित हैं, सही बात है, और हम देश के कोने कोने से आए हुए यात्रियों की सेवा भी करते हैं, बिल्कुल। हमारे यजमान भी होते हैं, अपने यजमानों को निस्वार्थ हम अपने घर में रखा करते हैं, सही बात है सर। निस्वार्थ उनके लिए जो भी भोजन की व्यवस्था होती है वो करते हैं, बिल्कुल, आजीवन किया है, करते ही आए हैं। तो यदि हमारे पास हमारे यजमान आते हैं, हमारे पास 5, 6, 7, 8 जो भी रूम है, कमरे हैं, जिनमें हम अपने आए हुए तीर्थ यात्रियों को ठहराते हैं, बिल्कुल, और सरकार इसको तोड़ देगी तो हम कहाँ उनको रुकाएंगे? तो इससे पहले सरकार को हमें व्यवस्था देनी पड़ेगी। हमने कभी विकास
के लिए मना नहीं किया। अच्छा अच्छा, अब लास्ट आपका मतलब 10 तारीख को क्या है कि कपाट तो खुलेंगे या नहीं खुलेंगे ये बता? कपाट खुलेंगे, भगवान के कपाट खुलेंगे, वो अच्छा, परंपरा अच्छा। है। अच्छा हाँ जी, वो बिल्कुल परंपरा के अनुसार, कोई विरोध नहीं होता आपका है उसके लिए कोई विरोध नहीं होता है, वो भगवान का है। अच्छा अच्छा, और उस दिन अक्षय तृतीय है तो है। हाँ जी हाँ जी, और भगवान के कपाट मुहूर्त के अनुसार खुलेंगे। अच्छा वो खुलेंगे। हमारा जो बाजार है, हमारी जो धर्मशालाएं हैं, हमारे जो लॉज हैं, हमारी जो रास्ते की दुकानें हैं, रास्ते के जो ट्रांसपोर्ट है, यहाँ तक हम कोशिश करेंगे वो सारे बंद रहेंगे। अच्छा अच्छा, वो बंद रहेंगे। चलो थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अच्छा लगा बात करके।